Hello friends, a very good morning to you all. I hope you all will be fine and you will have revised all the topics which we have discussed in our last class. We have discussed just only two topics. First is chemical treatment of wastewater plant and second equipment trees and cleaning of water. Those topics are very easy. I hope you all will understand. So let's continue our next topic. This topic is in the form of question. So let's start. Why should we adopt better housekeeping practices? अब इसकी मीनिंग को समझते हैं. Let's discuss. हमारे को housekeeping practices को क्यों adopt करना चाहिए? इसका मतलब क्या है? अब हम आने वाली क्लासेस में ये देखेंगे कि हमारी housekeeping की क्या ऐसी techniques हैं जिसके थ्रू हम वेस्ट वाटर को क्लीन कर पाए. ठीक है, उसको क्या कर पाए, उसके वेस्ट वाटर को कम कर पाए. जितना ज्यादा वेस्ट वाटर होगा उतना ज्यादा ही हमारे को क्लीन करने में उसको टाइम लगेगा. और ऐसा तो नहीं, हमारे जो वाटर होता है वो कितना ज्यादा वाटर होता है, ठीक है, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है जो हमारा वेस्ट वाटर होता है. तो इसी के लिए हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, अपनी हाउसकीपिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम वेस्ट वाटर को रिड्यूस कर सकते हैं. लेकिन इन टुडेज क्लास वी विल स्टडी अबाउट द व्हाई शुड वी अडॉप्ट द बेटर हाउसकीपिंग एक्टिविटीज, व्हाई दिस मींस. ठीक है, सो लेट डिस्कस. द सीवेज वाटर कैन कॉज सेवरल प्रॉब्लम्स सच एज हार्मफुल डिजीज, अनहाइजीनिक एंड अनसैनिटरी कंडीशंस इन द लोकेलिटी. अब हम सभी को पता है कि हमारी सोसाइटी में, हमारी लोकेलिटी में जितना भी सीवेज वाटर है उसकी वजह से क्या होता है, सेवरल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हमारे को सामना करना पड़ता है. उसमें से सबसे पहली आती है हमारी डिजीज. ठीक है, अगर कहीं पर भी सीवेज वाटर होगा तो वहां पर क्या होगा, मॉस्किटोज होगा, अनहाइजीनिक होगा, डस्ट होगी. ठीक है, उसी की वजह से क्या होता है, हमारे को डिजीज हो जाती है. ठीक है, मेनी टाइप्स. नेक्स्ट अनहाइजीनिक, वहां पर जो इन्वायरमेंट होगा वो कैसा होगा, अनहाइजीनिक. ठीक है, बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं होगी. नेक्स्ट अनसैनिटरी कंडीशंस इन द लोकेलिटी. ठीक है, वहां पर बिल्कुल भी साफ सफाई, किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखा गया. तो ऐसी लोकेलिटी में हमारे को क्या करना है, अपनी हाउसकीपिंग एक्टिविटीज को अडॉप्ट करना है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं. यही सारे वो रीजंस है, दीज आर द रीजंस थ्रू विच we have to adopt our housekeeping practices so we can reduce our waste water. Next point, hence we can be more considerate about reducing our limited amount of waste and we can accomplish this by adopting better housekeeping practices. अब मैंने आप सभी को अभी बताया, ठीक है, we have just discussed about the waste water. ठीक है, कि waste water हमारा कितना ज्यादा release होता है, ठीक है, कितनी ज्यादा अमाउंट में हमारा वेस्ट वाटर होता है. उसको क्लीन करने के लिए पूरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जितने भी सारे प्रोसेस है उसके थ्रू उसको क्लीन किया जाता है. तो जितना ज्यादा वेस्ट वाटर होगा उतना ज्यादा ही हमारे को क्लीन करना पड़ेगा. क्लीन करने के लिए हमारे को उतना ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होगी. तो उसी से रिड्यूस करने के लिए, उसी से बचने के लिए हमें क्या है, अपनी हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए. दीज आर द रीजंस why we should adopt our housekeeping practices. ठीक है, इसको हम accomplish कब कर पाएंगे, जब हमारी better housekeeping practices होगी. तो in today's class we have talked about why should we adopt better housekeeping practices. ठीक है, अब हमारे को समझ आ गया कि हमारे को housekeeping practices किस लिए adopt करनी चाहिए, what are the reasons. अगर हमारे को reasons ही नहीं clear होंगे तो हम सोचेंगे कि हम किस लिए इस house practices को कर रहे हैं. सो दिस इज फॉर द टुडेज क्लास. आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड. थैंक यू.